हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीएस एजुकेशनल पॉइंट। आज हम आपको टीथ के बारे में बताएंगे। टीथ मींस होता है दांत। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट मिल्क टीथ, सेकेंड परमानेंट टीथ। इसमें ये देखते हैं, जो टीथ हमारा है इसमें कई भाग होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट, ए टूथ हैज मेनली थ्री पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। सेकेंड पॉइंट, द आउटर लेयर ऑफ ए टूथ इज इनेमल एंड बीनीथ द इनेमल देयर इज ए सॉफ्टर लेयर कॉल्ड डेंटाइन। द टीथ आर डिवाइडेड इंटू फोर काइंड्स। थर्ड पॉइंट, द टीथ आर डिवाइडेड इंटू फोर काइंड्स। फर्स्ट, इंसीजर, सेकेंड कैनाइंस, थर्ड प्रीमोलर्स, फोर्थ मोलर्स। जो मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या 20 होती है और ये दांत 6 साल बाद निकलना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके निकलते जाते हैं, उनकी प्लेस पे परमानेंट टीथ आते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या होती है 20, जो परमानेंट टीथ होते हैं इनकी संख्या होती है 32। तो ये इनकी कैटेगरी होती है, उसकी अलग अलग संख्या में बता रहा हूं। इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, अपर जा, ऊपरी जबड़े में इंसीजर की नंबर होती है 4, कैनाइन की नंबर होती है 2, प्रीमोलर की नंबर होती है 4, मोलर की नंबर होती है 6। लोअर जा, इसकी संख्या भी होती है 4, कैनाइन्स की संख्या भी होती है 2, प्रीमोलर्स की संख्या भी होती है 4, मोलर्स की संख्या भी होती है 6। टोटल 8, कैनाइन्स होते हैं 4, प्रीमोलर्स होते हैं 8 और मोलर्स होते हैं 12। इस प्रकार से सभी दांतों की संख्या अपर जा और लोअर जा में होती है। देखिए, हमारे दांत बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें मिठाइयां कम से कम खानी चाहिए और चॉकलेट भी कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि इनके खाने से दांत हमारे खराब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, हमें 24 आवर्स में 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले। फिर शाम को जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। इससे होता क्या है, जो कुछ हम खा लेते हैं वो हमारे दांत में चिपकर आता है और उसी से हमारा दांत जो है सड़ना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे मोस्ट ये है कि हमें अपने दांतों को 6-6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाते रहना चाहिए
और उसकी उचित देखभाल करते रहना चाहिए। थैंक्स माय फ्रेंड्स, ऐसा लगे मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करिए और बताइए।